हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.4 फ्रॉम चैप्टर डेसिमल्स। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। अब यहाँ पे हमें डेसिमल का यूज करके ये जो गिवन क्वेश्चन पैसे में है इसे रुपीज में कन्वर्ट करने हैं। तो पहले इसका कुछ बेसिक समझते हैं। देखिए, पैसे को रुपीज बनाना है तो आप जानते हो कि 100 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, रुपीज 1। जब आपका पैसा 100 हो जाता है तो वो 1 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 पैसा, अगर 1 पैसा को सॉल्व करें कि 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, तो 1 पैसे में कितना रुपीज होगा, 100 का हमें पता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 1/100, क्लियर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसी फार्मूला का यूज करके 75 पैसे को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में नंबर के साथ आपका पैसे लिखा हुआ, दैट मीन्स फार्मूला में पैसे वाला पहले पार्ट लिखेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, 1 पैसे इज इक्वल टू, पैसे को शॉर्ट में पी लिख सकते हैं। तो फार्मूला भी हमने क्या सीखा, 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100 होता है। सो 75 पैसे, तो पैसे के नीचे पैसे ही लिखेंगे। तो 75 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 1/100। इसको यहाँ समझा देती हूँ एक बार। 75 पैसे इज इक्वल टू 1/100, ये जो 1 पैसा हमने निकाला इसमें इंटू हो जाएगा, तो इंटू 75। अब ये 75 ऊपर में है ना, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। नाउ देखिए, 75 इंटू 1, 75/100, ये हो जाएगा फ्रैक्शन हमारा। तो डायरेक्ट इसी फ्रैक्शन को मैं यहाँ लिख तो रही हूँ। सो हम लिख लेंगे 75/100। कैसे हुआ आप समझ गए, 75 से इसे इंटू किया। तो 75 इंटू 1 75, 75/100 इज इक्वल टू, अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नीचे में देखिए 20 है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट देने हैं। तो पहले ये 75 एंड ये 2 डिजिट ऑलरेडी है, 1, 2, यहाँ पॉइंट देंगे और इधर सुंदर लगने के लिए एक 0 बना देंगे। सो 0.75 रुपीज, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 1025 पैसे, अब इसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100। नाउ 1025 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1025 इंटू 1, यानी कि 1025, पहले यहाँ रुपीज लिख लीजिए, रुपीज ये इक्वल टू का साइन आपका, 1/100, क्लियर। अब 20 है तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है। सो इज इक्वल टू, आंसर हो जाएगा हमारा रुपीज 1025 फर्स्ट लिख लेंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2, 20 है। सो 2 डिजिट काउंट किया एंड यहाँ पॉइंट, तो रुपीज 1025 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 इज 63 रुपीज 9 पैसे। तो हमें क्या करना है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। सो 63 रुपीज ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 63 रुपीज प्लस 9 पैसे, क्लियर। नाउ 63 प्लस रुपीज यहाँ लिख लेंगे। अब 9 पैसे को जब हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/, फार्मूला यहाँ चाहो आप तो लिखना, लिख लेंगे 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100, क्लियर। तो 9 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 9/100। सो यहाँ हम लिख लेंगे 9/100 रुपीज। नाउ 63 देन प्लस का साइन। अब ये जो 9/100 है इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 है एंड हमें 2 डिजिट चाहिए, बट यहाँ सिंगल डिजिट है। तो पहले 9 लिख लेंगे, 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर एक 0 बना दीजिए इस 9 के लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए 1, 2 राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, तो 1, 2 डिजिट आ गया। सो यहाँ पॉइंट एंड ये 0। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका सिंपल समझ लीजिए आप, ये प्लस का साइन है। तो 63 एंड यहाँ 0 है, तो 0 की जगह पे आप 63 लिख दीजिए इस तरीके से। नाउ पॉइंट दे देंगे 09, ठीक है। तो रुपीज 63 रुपीज एंड 9 पैसे, ये आंसर हो गया। येट हमने कैसे किया ये समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए 63 नंबर है, तो इसमें आपसे पूछा जाए पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट तो हमें दिख नहीं रहा है, बट हर नंबर के साथ ऑलवेज पॉइंट होता है। जब आपको कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स नंबर के राइट हैंड साइड में लास्ट में पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, क्लियर। तो 63 पॉइंट आ गया। नाउ आपका 0.09 है, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लेते हैं, तो ये आपका 0 एंड इधर हम 09 लिखेंगे। अब इन दोनों के ऊपर अपनी मर्जी से हम 0 बिठा देते हैं, क्लियर। अब इसको प्लस करेंगे तो ये 09.63। तो इसका ट्रिक है कि 0 जो है डेसिमल के
लेफ्ट हैंड साइड में जब जीरो आपका है और इधर जो नंबर है विदाउट डेसिमल उसे जीरो के प्लेस पे डायरेक्ट लिख दीजिए, तो आपका सीधा आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन टू इज, क्वेश्चन टू में हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये फार्मूला हो गया। नाउ मिलीमीटर के 1 मिलीमीटर की जगह 8 मिलीमीटर अब नीचे लिखेंगे। सो 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू, अगेन 1 के बारे में हमें पता है और ज़्यादा का जब निकालते हैं तो क्या होता है इधर मल्टीप्लाई। सो 8 × 1/10, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 8 हमारा ऊपर में आएगा, जैसे अगर आप लिख के यहाँ समझ सकते हो 8 × 1/10 हो जाएगा ये हमारा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे अब 8 × 1 = 8 क्योंकि 8 ऊपर में है, तो 8/10 ही आया। सो डायरेक्ट 8/10 ही हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 8/10 सेंटीमीटर। अब नीचे में 10 है तो डेसिमल में लिख लेंगे इसका आंसर। तो देखिए ऊपर में एक ही डिजिट है तो 8 और 0 कितना है 1 है, सो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो राइट हैंड साइड से हम काउंट करते हैं, तो ये 1, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर के लेफ्ट में डेसिमल लगाएंगे। राइट हैंड साइड से जब हम काउंट करेंगे तो क्लियर है राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तो डिजिट के लेफ्ट में ही पॉइंट आया। सो यहाँ पॉइंट आ गया 1 0 का। नाउ इसे सुंदर लगने के लिए हम क्या करते हैं 0 लगाएंगे, तो 0.8 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो देखिए जिस चीज़ में कन्वर्ट करना होता है उसे जरूर लिखते हैं, यूनिट जरूर लिखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना सेंटीमीटर लिखना यहाँ भूल जाते हैं, तो ये नहीं भूलना आपको, जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है उसे तो जरूर देना है। क्लियर। नाउ सब पार्ट टू, 263 मिलीमीटर, अगेन इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले फार्मूला लिख लेंगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब 1 मिलीमीटर के नीचे 263 मिलीमीटर लिखेंगे, सो 263 मिलीमीटर इज इक्वल टू, अगेन ये इनटू हो जाएगा 1/10 के साथ, तो 263/10 बन जाएगा, सो ये हम लिख लेंगे 263/10 सेंटीमीटर। नाउ डेसिमल लगा देंगे तो पहले ये पार्ट लिखते हैं हम 263 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 1 0 है, सो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करेंगे, तो इसमें 263 राइट ये वाला पार्ट हुआ, सो 1 यहाँ पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, सो 26.3 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3, 13 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर ये 13 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, तो हम कन्वर्ट किसे करेंगे, ओनली 3 मिलीमीटर को। तो कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं, तो इस देखिए तब हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करें, जिसे जब हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो जो कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद इस 13 में हमें प्लस करना होता है। सो इसे हम लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर + 3 मिलीमीटर, दैट मीन्स इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करने से पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। सो फार्मूला लिख लेते हैं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पर सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले से है तो हम इसे पहले लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर, देन प्लस का साइन। अब ये 3 मिलीमीटर को जब हम 1/10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इधर एक नंबर लिख सकते हो, ये 13 सेंटीमीटर + 3 मिलीमीटर, इसको यहीं पे आप लिख लेना, इस पार्ट को यहाँ लिखने की जगह यहीं पे लिख लेना। नाउ इज इक्वल टू, अब ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर एज इट इज लिखेंगे, देन प्लस का साइन। अब इस फ्रैक्शनल जो पार्ट है हमारा इसे डेसिमल में लिखेंगे तो 1 0 है, तो ऑलरेडी ऊपर में 1 डिजिट है ही, सो 3 इस साइड पॉइंट लगाएंगे एंड एक 0 बना देते हैं, ठीक है। नाउ सेंटीमीटर, अब हम क्या करेंगे दोनों को ऐड, तो ऐड कैसे करते हैं, ये जो पार्ट 0 है इस 0 की जगह पे आप 13 लिख दीजिए, देन पॉइंट 3, यही हमारा आंसर हो गया। सो इज इक्वल टू 13, 0 की जगह पे हमने 13 लिख लिया, देन डेसिमल दे देंगे एंड ये 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर। तो ये इजी ट्रिक है कि 0 है दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, तो 0 को जब हम ऐड करेंगे ऐड करके दिखाती हूँ आपको, 0.3 इसमें मैं 13 ऐड कर 13 इधर लिखेंगे, तो यहाँ पॉइंट आ गया है 0, अब देखिए ऐड करने पे हमें क्या आएगा 13.3, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन थ्री इज, अब यहाँ हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस साइज मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और नंबर से हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। नाउ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख लेंगे हम 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6, इसके साथ इंटू में आ गया,
जब इंटू में आएगा तो 6 × 1 = 6 अपॉन 100 मीटर। अब डेसिमल में आंसर लिख लेंगे। अब देखिए 20, यहाँ पर तो वन ही डिजिट है, पहले वन डिजिट लिख लीजिए 6, हमें टू डिजिट चाहिए तो राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं। टू डिजिट, ये वन दूसरा डिजिट नहीं है तो हम क्या करते हैं, जीरो बनाएंगे, देन ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ एक और जीरो बना दीजिए, नाउ मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट टू इज, सब पार्ट टू में आपका है 528 सेंटीमीटर, तो 528 सेंटीमीटर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगेन पहले फार्मूला लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। नाउ 528 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 528/100 मीटर। नाउ 20 है, यानी कि राइट हैंड साइड से टू डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, सो पहले लिख लेंगे 528, वन टू डिजिट, यहाँ पॉइंट आ गया, मीटर इज द आंसर। नाउ सपर थ्री, 7 मीटर 55 सेंटीमीटर को अब हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। नाउ 7 मीटर + 55 सेंटीमीटर, प्लस का साइन क्यों देते हैं, क्योंकि मीटर तो ऑलरेडी पहले से 7 इसमें है और ये पार्ट हमें सॉल्व करना है, 55 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, देन उसे 7 के मीटर में ऐड करना है, इसीलिए प्लस का साइन। अब इक्वल टू में ये हो जाएगा 7 मीटर है, तो पहले 7 मीटर एज इट इज लिखेंगे, देन प्लस का साइन देंगे, एंड ये 55 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 55/100, सो 55/100 मीटर। नाउ 7 मीटर प्लस, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, 20 है, ऊपर में देखिए ऑलरेडी टू डिजिट है, सो 55, वन टू डिजिट, यहाँ पॉइंट, इधर 0 मीटर, हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका क्या है, ये जो 0 इसकी जगह हम 7 लिख लेंगे, सो 7, देन पॉइंट, ये पॉइंट 55, यही लिख देंगे, तो 7 मीटर 55 सेंटीमीटर इज द आंसर, सो यहाँ मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर पढ़ने, रीडिंग कैसे करेंगे, रीड करने का तरीका है, मीटर सेंटीमीटर है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है डेसिमल के लेफ्ट में, ये हमारा मीटर हो गया, एंड इस बचे हुए पार्ट को सेंटीमीटर में बोलेंगे, 7 मीटर 55 सेंटीमीटर, और इस एक साथ कितना मीटर हुआ, तो 7.55 मीटर। क्लियर। अब क्वेश्चन फोर में हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर बनाना है, सो पहले फार्मूला लिखेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाता है 1/1000 किलोमीटर। क्लियर। नाउ 5 मीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 × हो जाएगा 1 के साथ, सो 5/1000 किलोमीटर। यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना, जो किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट क्वेश्चन में, उसे हम जरूर लिखते हैं, अगर ये रॉन्ग कर दिया आपने तो हाफ मार्क्स आपके कट जाते हैं, तो यूनिट जरूरी है। नाउ इक्वल टू का साइन देंगे। अब यहाँ देखिए 30 है, तो और ऊपर में एक ही डिजिट है, पर इस डिजिट को हम लिख लेते हैं। नाउ डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद, यहाँ तो सिंगल है, तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 सेकेंड में कुछ नहीं है तो 0 0। अब देखिए 1 2 3 राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, ये राइट हैंड साइड का नंबर हो गया, सो 1 2 3 डिजिट, यहाँ डेसिमल, एंड ये 0, सो 0.005 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट टू इज, 888 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सो फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। नाउ 888 मीटर इज इक्वल टू 888/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब डेसिमल में चेंज करेंगे, 3 0 3 डिजिट, सो यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद 888, 3 डिजिट ऑलरेडी है, 0 लगा दीजिए, एंड ये किलोमीटर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट थ्री इज, 15 किलोमीटर 88 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, सो फर्स्ट फार्मूला लिख लेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। क्लियर। किलोमीटर बनाने, एंड जो किलोमीटर पार्ट है उसे एज इट इज रहने देंगे, दैट मीन्स यहाँ हम क्या लिखेंगे, 15 किलोमीटर + 88 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, तो 15 किलोमीटर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, देन प्लस का साइन। अब ये 88 मीटर के लिए फार्मूला हमने लिख लिया, 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर, सो 88 मीटर इज इक्वल टू 1 के साथ इंटू हो जाएगा 88, तो ये हमारा बन जाएगा, सॉरी हाँ ये बन जाएगा आपका 88/1000 किलोमीटर। नाउ इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर + 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट चाहिए, सो 88, 1 2 डिजिट, 1 डिजिट के लिए 0, देन पॉइंट, इधर 0,
किलोमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका आप सीख लिया है आपने। ये जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग में जो जीरो है इसकी जगह पे ये 15 किलोमीटर को लिख देंगे। सो 15 देन पॉइंट, पॉइंट के बाद ये 088 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज एक्सप्रेस एज किलोग्राम। अब हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन 1 37 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम कर बनाने का फॉर्मूला हमारे पास है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। क्लियर। नाउ 37 ग्राम है तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट 37 ग्राम इज इक्वल टू, कन्वर्ट करेंगे अब तो आप समझ गए कैसे होता है। सो हम लिख लेंगे 37 अपॉन 1000 किलोग्राम। नाउ डेसिमल में आंसर हो जाएगा तो पहले 37 लिख लेंगे। अब ये 3 जीरो है सो 3 डिजिट चाहिए तो 1 2 3, थर्ड में हम जीरो बनाएंगे, 10 पॉइंट एंड 10 यहाँ किलोग्राम इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2, 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट फार्मूला 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। नाउ 100 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100/1000 किलोग्राम। यहाँ देखिए 1000 में 3 जीरो है, दैट मीन्स 3 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, तो यहाँ ऑलरेडी 3 डिजिट गिवन है हमारे पास, तो आंसर में हम क्या लिख लेंगे 0.100 एंड इधर एक जीरो लगा देंगे एंड केजी, तो 0.100 केजी ये हमारा आंसर हो गया बिकॉज राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ जाएगा। क्लियर। नाउ सपर 3 इज 5 केजी 8 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट फार्मूला लिख लेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है। नाउ 5 केजी 8 ग्राम इज इक्वल टू, सो यहाँ लिख लीजिए 5 केजी प्लस 8 ग्राम इज इक्वल टू 5 केजी, केजी को कुछ नहीं करेंगे एज इट इज लिखेंगे, प्लस का साइन सिर्फ ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे, ये 8 है तो ये बन जाएगा 8/1000 किलोग्राम। नाउ 5 केजी प्लस इसे डेसिमल में लिखेंगे, 3 जीरो है यहाँ 1 डिजिट है सो 1 2 3 20 बना देंगे, देन पॉइंट एंड 10 किलोग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, जीरो की जगह पे 5 लिखेंगे देन पॉइंट एंड उसके बाद का ऑल डिजिट देख कर लिख लेंगे। सो 008 किलोग्राम इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज अनीता बॉट 2 meter 70 centimeter क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 meter 85 centimeter क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाई हर। यहाँ कहा जा रहा है कि अनीता ने शर्ट के लिए 2 meter 70 centimeter कपड़ा बॉट किया यानी कि खरीदा एंड ट्राउजर बनवाने के लिए उसने 2 meter 85 centimeter कपड़े लिए, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ उसने कितना खरीदा ये हमें फाइंड करने हैं। तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट इज इक्वल टू 2 meter 70 centimeter। अब देखिए मीटर सेंटीमीटर दोनों में है तो इसे सिंगल डिजिट में सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.70 meter। तो इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया या मीटर की जगह पे डेसिमल दे देंगे, देन बचे हुए पार्ट को आप इधर लिख दीजिए तो देखिए 2.70 meter। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप कन्वर्ट करके लिखना कैसे अभी हमने पीछे सीखा था, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ रिपीट करा दे रही हूँ। 2 meter 70 centimeter को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे है ना, इनटू मीटर। तो हम क्या करेंगे, मीटर तो ऑलरेडी पहले से है सो 2 प्लस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर को जब मीटर बनाते हैं तो 1/100 हो जाता है सो 70/100। नाउ ये हो जाएगा 2 प्लस इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 20 ऊपर 2 डिजिट ऑलरेडी है सो 0.70। नाउ दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.70 meter। ठीक है, तो इसी पार्ट को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउजर्स इज इक्वल टू, तो ट्राउजर के लिए 2 meter 85 centimeter क्लॉथ खरीदती है, अगेन मीटर सेंटीमीटर है इसे एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पहले लिख लेंगे 2 देन पॉइंट दे दीजिए एंड ये 85 एंड ये हम मीटर लिख लेंगे। क्लियर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितना क्लॉथ खरीदती है, तो टोटल में हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं सो लिख लेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है 2.70 meter एंड 2.85 meter, तो टोटल में हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.70 प्लस 2.85 meter। नाउ इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 0 एंड 5 को ऐड करेंगे तो देखिए 5 7 एंड 8 ये हो गया आपका 15, तो 15 का 5 कैरी 1 बच रहा है, 1 2 के ऊपर आ जाएगा तो 2 एंड 1 3 प्लस 2 5 सो 5 एंड ये पॉइंट की जगह पे पॉइंट देंगे
आप ऊपर नीचे लिखकर चाहो तो ऐड कर सकते हो, इस तरीके से 2.70, 2.85 इस तरह से लिख के ऐड कर सकते हो, ठीक है। 5.555 यही आया हमारा। नाउ यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, मीटर, क्योंकि हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है, ये मीटर में है, सो मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन सेवेंथ में हमें डिस्टेंस दिया है, ट्रेवल कर रहा है बस से, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 15 किलोमीटर 268 मीटर। अगेन इसे हम किलोमीटर मीटर है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 15, देन किलोमीटर की जगह पे पॉइंट बना देंगे, एंड यहाँ 268 मीटर है, सो 268 किलोमीटर अब आ गया, ये हमारा हो गया 15.268 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार, कार से 7 मीटर जा रहा है, दैट मीन्स 7 किलोमीटर की जगह पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए 7 मीटर है, जब हम मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करते हैं, जैसे मीटर को जब किलोमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। सो 7 मीटर है तो यहाँ देखिए 7 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/1000। अब इसे डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 3 डिजिट है, 3 0 है, हमें 3 डिजिट चाहिए, यहाँ सिंगल डिजिट है, सो 7, इसके पहले 2 0 लगाकर देन पॉइंट एंड 1 0 इधर से, सो 0.007, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया 0.007 किलोमीटर। अब इसके लिए एक ट्रिक और आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप सॉल्व करके हर बार तो ये चेंज में कन्वर्ट नहीं करोगे, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इजी तरीका है याद करने का कि आप याद रखो किलोमीटर मीटर है, तो किलोमीटर मीटर में तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, आप याद रखो कि 1000 होता है मीटर, और यहाँ 3 0 है, तो 3 0 है बट यहाँ मीटर में सिंगल डिजिट है, तो इसमें 2 0 आप स्टार्टिंग में ऐड कर दो तो वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाए, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। सो ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 किलोमीटर की जगह पॉइंट, अब 3 0 है, 3 डिजिट चाहिए, सिंगल 7 है, सो 2 0 हमने लगा दिया, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, फुट से 500 मीटर जाता है तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो अगेन अभी अपने को समझाया कि 1000 होता है कि मीटर में किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर कितने हो गए 1000, 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने हैं, सो 500 ऑलरेडी 3 डिजिट है, इसलिए शुरू में पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 0.500 किलोमीटर, क्लियर। नाउ डिस्टेंस पूछा जाए कि स्कूल से रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, तो लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस, है ना, घर से स्कूल की दूरी बतानी है, तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है बाई बस, बाई कार एंड ऑन फुट, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे हमारा हो जाएगा आंसर 22.775 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, राहुल बॉट 4 kg 90 ग्राम एप्पल्स, 2 kg 60 ग्राम ग्रेप्स एंड 5 kg 300 ग्राम मैंगोज, फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट्स ही बॉट। तो देखिए कहा जा रहा है राहुल एप्पल खरीदता है 4 किलोग्राम 90 ग्राम, ठीक है, ग्रेप्स खरीदता है 2 kg 60 ग्राम एंड मैंगो 5 kg 300 ग्राम, तो टोटल इसने कितना फ्रूट खरीदा, तो क्या करेंगे इन सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले सिंगल यूनिट चाहिए, सो 4 kg 90 ग्राम को हम क्या करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, एंड आप जानते हो कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है 1000, तो 1000 में यहाँ 3 0 है बट यहाँ ग्राम में देखिए 2 डिजिट ही दिया है, तो जब हम 90 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट चाहिए, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 एक 0 यहाँ लगाकर देन हम पॉइंट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 090 पॉइंट, एक इधर 0, ये किलोग्राम, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, सो एक साथ जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के बाद हम पॉइंट देंगे एंड 090 ग्राम, इसी तरीके से इन दोनों को भी करेंगे, तो चलिए करते हैं, तो हम लिख लेंगे वेट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 4 kg 90 ग्राम, इसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो ये हो गया 4.090 किलोग्राम। नाउ वेट ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू 2 kg 60 ग्राम, अब यहाँ ग्राम में देखिए 2 डिजिट है, हमें 3 चाहिए सो एक 0 बना देंगे, सो ये हो जाएगा पहले 2 kg की जगह पे पॉइंट एंड एक 060, अब देखिए ग्राम में डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए बिकॉज इसमें 1000 ग्राम होता है, सो 123, नाउ इधर हम किलोग्राम लिख लेंगे, नेक्स्ट 5 kg 300 ग्राम, तो ये भी हमारा जगह 5 पॉइंट, अब इसमें 3 डिजिट ऑलरेडी है सो 300 किलोग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया। नाउ टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स निकालना है तो हम क्या करेंगे इन सबको प्लस करके आंसर लिख लेंगे, तो प्लस कर लेते हैं, इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसे भी प्लस कर सकते हो या ऊपर नीचे लिख के यहाँ कर लो और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 4 पॉइंट, चलिए लिख के दिखाती हूँ कैसे, 4.090 kg प्लस 2.060 kg प्लस
थर्ड वाला आपका 5.33 kg। ठीक है, इन तीनों को इससे लिख के यहाँ ऊपर नीचे में प्लस कर लेते हैं, तो 4.090 देन है आपका 2.060 एंड नेक्स्ट है आपका 5.300, इन सबको ऐड करेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया 0, 9 एंड 6 ये हो गया 15, 5 कैरी 1, 1 प्लस 3 4, देन पॉइंट 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 इज 11, तो 11.450, सो आंसर हमारा हो गया 11.450 किलोग्राम इज द आंसर। रानी हैड रुपीज 18.50, सी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर रुपीज 11.75, हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ। अब कहा जा रहा है कि रानी के पास टोटल 18.50, इस 18.50 में से 11.75 को आइसक्रीम खरीदती है, तो अब उसके पास कितने पैसे बच गए, तो कितने लेफ्ट में है, दैट मीन्स हमें माइनस करना है इन दोनों को। सो हम लिख लेंगे फर्स्ट टोटल अमाउंट कितने हैं, सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 18.50। नाउ कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू, ये हमारा गिवन है रुपीज 11.75। सो मनी कितना बच गए, तो हम लिख सकते हैं मनी लेफ्ट इज इक्वल टू रुपीज 18.50 माइनस रुपीज 11.75। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो देखिए 18.50 पॉइंट के नीचे पॉइंट देते हैं एंड ये आपका है 11.75। ठीक है, यहाँ रुपीज चाहो तो लिख सकते हो, बिना लिखे भी काम चल सकता है। नाउ इसे हम माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 10 में से 5 माइनस किया 5, नाउ ये 5 बोरो लिया तो बन गया 15, 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। नाउ डेसिमल की जगह डेसिमल, अब ये 7 बन गया, 7 माइनस 1 इज 6, 1 माइनस 1 0, या कैंसिल हो गया ये हमारा, तो क्या बच गया हमारे पास रुपीज 6.85। स्टार्टिंग की जीरो की वैल्यू नहीं होती, ये तो ऐसे भी क्रॉस ही है। ठीक है, सो आंसर में हम क्या लिख लेंगे, रुपीज 6.85 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज, टीना हैड 20 meter 5 cm लॉन्ग क्लॉथ, सी कट 4 meter 50 cm लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन, हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर। ठीक है, तो टोटल कितना लेंथ ऑफ क्लॉथ 20 meter 5 cm है, तो इसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सिंगल यूनिट में, तो देखिए मीटर एंड सेंटीमीटर, तो 1 meter में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, 100 में 20 होते हैं, बट यहाँ सेंटीमीटर में 1 digit है, तो हम क्या करेंगे इसे जब ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 है, 1 digit है, सो 5 के इधर एक 0 आ जाएगा, देन पॉइंट एंड ये 20 इधर आ जाएगा, सो 20.05 meter। इसी तरह से इसे चेंज करेंगे, तो यहाँ तो सेंटीमीटर ऑलरेडी 2 digit है, सो ओनली ये हो जाएगा 4.50 meter। क्लियर, तो चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। सो लिख लेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 20 meter 5 cm गिवन है, इसे अब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 20.05 meter। नाउ लेंथ यूज्ड, कर्टन बनाने के लिए कितना यूज कर रही है 4 meter 50 cm, सो ये कन्वर्ट करने पे हो गया 4.50 meter। अब हमसे पूछा जा रहा है कितना क्लॉथ बच रहा है, सो क्लॉथ लेफ्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे इसे माइनस कर लेंगे, तो ये हम लिख लेते हैं 20.05 meter माइनस 4.50 meter। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 10 माइनस 5 इज 5, नाउ पॉइंट अब ये 0, 9 बन गया, 9 माइनस 4 5 एंड ये 2 क्या बन गया 1, सो 15.55 meter क्लॉथ बच गया एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11 इज, रूबी बॉट अ वाटर मेलन वेरिंग 5 kg 300 gram आउट ऑफ विच सी गेव 2 kg 680 gram टू हर नेबर, वॉट इज द वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विथ रूबी। यहाँ कुछ कहा जा रहा है कि रूबी ने एक वाटरमेलन खरीदा कितने वेट का, 5 kg 300 gram का। ठीक है, 5 kg 300 gram वेट का एक वाटरमेलन खरीदती है एंड इसमें से वो 2 kg 680 gram अपने नेबर को दे देती है, तो नेबर को जब दे दिया इसने तो उसके पास कितना बच गया, लेफ्ट में कितना रह गया, ये हमें फाइंड करना है, तो क्लियर है दोनों को हमें माइनस करना होगा, तो चलिए करते हैं। सो वेट ऑफ वाटरमेलन 5 kg 300 gram, इसे सिंगल यूनिट यानी कि किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 kg की जगह पे पॉइंट एंड देखिए 1000 कितना होता है किलोग्राम में 1000 gram, 1000 में 30 होते हैं, ऑलरेडी 3 digit है, सो 5 पॉइंट के बाद हम ये लिख लेंगे 300 एंड यहाँ किलोग्राम, नेक्स्ट है 2 kg 680 gram वो अपने नेबर को देती है, सी के भर नेबर है। ठीक है, इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 2.5
ऑलरेडी 680 थ्री डिजिट है, सो 680 किलोग्राम, क्लियर। नाउ वाटरमेलन कितना बच रहा है, तो हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, सो लिख लेंगे 5.300 किलोग्राम माइनस 2.680 किलोग्राम, माइनस करेंगे एंड यहाँ आंसर लिख लेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, 5.300 इसमें 2.680 माइनस करना है, सो 0, 10 माइनस 8 इज 2, अब ये बच गया 2, 2 माइनस 6 नहीं होगा, बोरो लेगा तो 12 माइनस 6 6 पॉइंट, ये हो गया 4 माइनस 2 2, सो 2.620, तो हम लिख लेंगे 2.620 एंड किलोग्राम, ये आंसर हो गया।